क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि इसमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कोई ट्रेन है वो एक किसी मतलब सर्टेन डिस्टेंस को जो अपने यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब चलता है, यूनिफॉर्म स्पीड से उसे कवर करता है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है और वो यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब अगर जो उसका स्पीड है एक्चुअल स्पीड उससे 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर से चलता है, अब क्या कर रहे हैं उसको 105 कर देना। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, और जो शेड्यूल टाइम है उससे क्या लेता है, ये 3 आवर्स कम लेता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 4 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब जो उसका यूनिफॉर्म स्पीड है उससे 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चलता है, कम चलता है, तो क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, और जो शेड्यूल टाइम है उससे क्या कर रहा है, 3 आवर्स ज्यादा लेता है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो यहाँ क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ द जर्नी, और कहीं भी क्वेश्चन में आपको लेंथ का कोई डाटा नहीं दिया गया। ठीक है, जब डाटा नहीं दिया गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा, तो इसमें किस किस चीज का डाटा दिया गया उसको देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया स्पीड का डाटा, लेकिन एक्चुअल स्पीड कितना है इसको नहीं बताया जा रहा है, बस ये बोल रहा है कि जब 5 किलोमीटर बढ़ाया जा रहा है तो टाइम कुछ कम ले रहा है, मतलब उसका कुछ यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, तभी तो उसमें 5 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं या फिर 4 किलोमीटर घटा रहे हैं। ठीक है, और उसका कुछ शेड्यूल टाइम भी होगा, जो मतलब 2 घंटे या 4 घंटा जो भी होगा वो कुछ टाइम होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास डाटा में स्पीड और टाइम से रिलेटेड कुछ वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते चल रहे हैं कि जो ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन का उसको क्या कर ले रहे हैं, एक्स एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, एक्स एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पढ़िएगा, किलोमीटर डिस्टेंस को किलोमीटर में दिया गया है और टाइम को आवर्स में दिया गया है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो टाइम लग रहा है कंप्लीट जर्नी को कंप्लीट करने में, मान लेते हैं वाई आर्स लग रहा है, कितने आर्स लग रहा है, वाई आर्स लग रहा है। ठीक है, इतने घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो बोलिएगा कि सर क्वेश्चन में तो आपका लेंथ मांगा गया, आप यहाँ स्पीड और टाइम की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्पीड और टाइम से ही मेरा क्या आएगा, लेंथ आएगा, मतलब लेंथ मतलब क्या, जर्नी, कितना जर्नी वो ट्रेवल किया। हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम पढ़े हैं क्या, और मेरे पास अगर ये स्पीड आ जाए और ये टाइम आ जाए तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे स्पीड इनटू टाइम, तो मेरे पास यही लेंथ मतलब जर्नी जितना ट्रेवल किया इसी को फाइंड करना है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई को फाइंड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, इस केस में लेंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब शुरू से पढ़ते हैं, लिख दीजिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड एक्स है। ठीक है, ऐसा मान लिए। अब क्या बोल रहा है, द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब ट्रेन पहले कितने से चल रहा था, ट्रेन पहले एक्स एक्चुअल स्पीड इसका कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर, इसमें कितना बढ़ाया जा रहा है मेरे पास, तो इसमें कितना बढ़ाया जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए और आगे क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, और टाइम के बारे में क्या बोल रहा है कि टाइम 3 आवर्स कम ले रहा है, पहले कितना ले रहा था मेरे पास, बाई आवर्स ले रहा था, टाइम को क्या माने हम लोग बाई, और इसमें से कितना कम ले रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो 3 आवर्स क्या बोल रहा है मेरे पास, कम बोल रहा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेरा स्पीड है और यहाँ पे ये मेरा क्या है, टाइम है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस होता है क्या, डिस्टेंस होता है क्या, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये जो एक्चुअल जर्नी है उसके बराबर होगा। जैसे अब बोलिएगा सर इसको इसके इक्वल कैसे कर दिए, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लिया जाए आपका स्कूल है किसी डिस्टेंस पे। ठीक है, हो सकता है कि आपको लेट हो रहा हो, देर हो रही हो, तो टाइम को क्या, कम टाइम में पहुंचने के लिए आप अपने स्पीड को बढ़ाते हैं क्या, तो उस केस में क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ता है तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या आपके स्कूल का डिस्टेंस कम या ज्यादा होता है क्या, नहीं ना, स्कूल का डिस्टेंस तो वही रहता है, तो जो स्कूल का डिस्टेंस है मतलब ट्रेन का जितना जर्नी किया उतना ही रहेगा, टाइम क्या हो रहा है मतलब स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम घट रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस मिलेगा इससे वो डिस्टेंस कितना बार भी कीजिएगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिस्टेंस तो ऐसा नहीं है कि चेंज कर जाएगा। ठीक है,
तो बस यही किए हैं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या था, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, ऐसा कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद आगे पढ़ के दूसरे इक्वेशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो इसको कीजिएगा तो एक्स इंटू वाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स वाई आ जाएगा। फिर इसको इससे कीजिएगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3x हो जाएगा। फिर से इसको इससे कीजिए, प्लस 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 दे दीजिए और यहाँ पे 5y हो जाएगा। अब इसको इससे कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, एक्स वाई है। यहाँ से एक्स वाई को कट कर दीजिए। अब मेरे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन आया, क्या आया, 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना आया, इसको उधर कर दीजिए, 15 आ गया। और इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब आगे के लिए पढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, शेड्यूल टाइम तक पढ़ लिए, अब आगे पढ़ रहे हैं एंड से। एंड से देखिएगा, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर, मतलब अब की बार में क्या हो रहा है, फिर से लिख लीजिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब की बार क्या हो रहा है, जो मेरा एक्चुअल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है, इससे क्या हो रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, मतलब स्लोअर मतलब कम हो रहा है, ठीक है, पढ़िएगा, सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो रहा है, ठीक है। अब टाइम में क्या बात कर रही है, देखिए टाइम में बोला जा रहा है कि टाइम कितना बढ़ जा रहा है, तो 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है, ठीक है, जितना लेता था उससे कितना ले रहा है, 3 आवर्स ज्यादा। तो ये भी क्या है मेरे पास, स्पीड इंटू टाइम क्या, डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, एक्स इंटू वाई के इक्वल है क्या, तो ऐसा कर ली। अब यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर एक्स और वाई निकालकर यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे, लेंथ को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं ये, बार बार मैं टाइम को टी लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई, ठीक है। चलिए एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स वाई हो जाएगा, इसको इससे कीजिए, प्लस 3x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। इस एक्स वाई से इस एक्स वाई को कट कर दीजिए, यहाँ पे मेरा जो छोटा सा एक्सप्रेशन आया, 3x माइनस 4y इक्वल टू क्या आ गया, उसको उधर कर दीजिए, प्लस 12, और यही मेरा क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इसके वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, या तो x वाले टर्म को इक्वल करते हैं या फिर y वाले को। यहाँ x वाला देखिए 3x पहले से इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने का टेंशन खत्म। अब हम लोग को दिमाग लगाना है कि इसमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे माइनस 3x और यहाँ पे प्लस 3x, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो दोनों कट जाएगा, वाई का वैल्यू निकल जाएगा, और वाई का वैल्यू निकालकर हम लोग सिंपली एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस वही करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा वाई एलिमिनेशन मेथड 1 प्लस 2, 1 प्लस क्या 2, ठीक है। 1 कितना है मेरे पास, देखिए यहाँ से माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 15 है। 2 कितना है मेरे पास, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 है। क्या करना है, ऐड, तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो साइन जब चेंज नहीं होगा तो बस सॉल्व कर दीजिए, माइनस 3x प्लस 3x कट गया, 5y माइनस 4y मेरे पास y आ जाएगा क्या, और यहाँ से इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब y के वैल्यू को या तो 1 में या फिर 2 में पुट कर दीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, 3x है तो यहाँ से 3x ऐसे लिख दीजिए, माइनस है माइनस दे देंगे, 4 इंटू वाई कितना है मेरे पास, 27 है क्या, तो यहाँ से 27 कर लेंगे, इक्वल का साइन देकर 12 कर लेंगे, ठीक है। 3x माइनस कितना कर लेंगे इसको, 108 आ जाएगा क्या, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो 3x इक्वल टू, इधर इसको इधर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 108 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना आया मेरे पास, 120 आया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 40 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। हम लोग को फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, तो लिखिएगा हेंस द लेंथ ऑफ द जर्नी इज x इंटू वाई, और x कितना है मेरे पास, x है 40 किलोमीटर पर आवर, और y y कितना निकला है मेरे पास, 27 निकला है, 27 निकला, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना, 80, ठीक है, और 2 कितना आ जाएगा, 1080 क्या आ गया मेरा, ये लेंथ है, तो इसको किस में लिखेंगे, हम लोग किलोमीटर्स में लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।